हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टेट रिवर। ब्लैक एडम का डे 11 तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आउट हो चुका है और ये जिस हिसाब से एक्सपेक्ट करा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम आया है। पर अगर हम इसको कंपेयर करें थैंक गॉड मूवी से, जिसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अजय देवगन थे, उनका जो डे 6 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ब्लैक एडम के डे 11 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसने बॉलीवुड में मतलब हिंदी बेल्ट में एक ठीक ठाक अच्छी कमाई कर ली है। सैटरडे की बात करूँ अगर सबसे पहले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, मतलब ये डे 10 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो वो निकल के आया था 2.25 करोड़ रुपीज़। और आप संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मतलब इसका सेकेंड संडे है ये, तो डे 11 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो वो निकल के आ रहा है 3.10 करोड़ रुपीज़। मतलब कि इसने 11 दिन में जो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाई करी है मतलब हिंदी बेल्ट में, तो वो करी है 43 करोड़ रुपीज़, अराउंड 43 करोड़ रुपीज़। तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है फॉर अ मूवी जो एक डब्ड मूवी है। अब ब्लैक एडम का यार क्रेज तो बहुत ज़्यादा था, पर इतना भी ज़्यादा नहीं था जैसे कि अभी एवेंजर्स का रहता है या वो जो जस्टिस लीग आई थी, चाहे वो फ्लोप हो गई थी पर उस टाइम क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा था। तो अब जब लोग ब्लैक एडम को देखेंगे उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट मूवी आएगी ऑब्वियस है यार वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई करेगी। तो इसमें आपका क्या टेक, आपको कैसा लगा कलेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताना। प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।